दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ओनर 20 प्रो मोबाइल के बारे में। इसके स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। फुल्ली कंफर्म है ये स्पेसिफिकेशन, ये आपको इस फोन के अंदर मिले ही मिलेंगे। क्या इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है, किस प्राइस रेंज के अंदर, कभी ये फोन लॉन्च होगा, क्या क्या इस फोन के अंदर खास बात होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन के हाईलाइट की। तो फोन के अंदर हमें जो है रियर में क्वाड कैमरा जो सेटअप है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी इसके रियर में हमें चार कैमरा जो है वो देखने को मिलेंगे। और इस फोन की आपको जो डिस्प्ले है ओनर सीरीज के अंदर, मेरे को लगता है ये पहला फोन है जो हमें मिल पाएगा फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, विदाउट एनी नोच, विदाउट एनी पंच होल डिजाइन। और हाँ, इस फोन के अंदर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा सेंसर भी आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का रहेगा। बाकी जो है डेप्थ सेंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, टेलीफोटो सेंसर, काफ़ी सारे कैमरा सेंसर घुसेड़े गए हैं भैया। चार कैमरा हैं इसके अंदर, यानी फोटो के अंदर तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, ये कह सकते हैं हम, हो सकता है हमें ये हुआवे का पी सीरीज के अंदर जो फ़ोन आने वाले हैं, P30 जो फ़ोन आए थे, उन जैसा हमें इसके अंदर कैमरा देखने को मिले। इसकी डिस्प्ले की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो हमें 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। 3x जूम हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके दो वेरिएंट हैं, एक तो है ओनर 20 और ओनर 20 प्रो। तो ओनर 20 प्रो की डिस्प्ले होगी वो 6.5 इंच की होगी, और ओनर 20 की जो डिस्प्ले होगी वो 6.1 इंच की डिस्प्ले हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। किरिन का 980 प्रोसेसर जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। 3650 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी, विद 22.5 वॉट जो है रैपिड चार्ज जो है वो ये सपोर्ट करेगी। इस फोन के अंदर हमें दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB। ये जो वेरिएंट है इस फोन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इस फोन की मैं आपको लॉन्च डेट बता दूं, ये फोन जो है वो लॉन्च होगा 21 मई को, और देखते हैं वो इंडिया के अंदर कब तक आ पाता है। तो ये थे इस फोन की स्पेसिफिकेशन। आप बताइएगा जरूर ये फोन आपको कैसा लगा। मेरे को लगता है ये फोन है बड़े ही कमाल का, हो सकता है यदि इसे लॉन्च करता है ओनर 20,000 रुपये की रेंज के आसपास। और बाकी आप बताइएगा इस फोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको अलग इस वीडियो के अंदर देखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।